हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुजीत सचान। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं जैसा कि हम आपके बीच में फ्रेजल वर्ब का सेशन लेकर आ रहे हैं कंटिन्यू। आप पीछे भी वीडियो देख चुके हैं, एक से अधिक वीडियो पीछे भी आप फ्रेजल वर्ब पर क्लियर कर चुके हैं। आज फ्रेजल वर्ब जो हम क्लियर करने जा रहे हैं फॉल के बारे में, आपको ये अवगत करा देते हैं कि बेसिकली फ्रेजल वर्ब को पढ़ना और रटना ये इतना आसान काम नहीं है। तो इस पर थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि इसको आसान बनाया जा सके। पर फिर वही कहानी आपके बीच में आती है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। से आपको वही पता चला कि किसी भी वर्ब के साथ अगर हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अगर वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन जोड़ दें तो सर दी गई वर्ब हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। सर अगर मैं बात करूं तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन लगाने से ही वर्ब हमारी फ्रेजल वर्ब बनती है, तो क्यों ना काम करें उस प्रेपोजिशन को अपना सहारा बना लें। ठीक है, आप एक बार जरा ध्यान से देखो हमारे सामने क्या लिखा गया। मैं एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पे लेकर चलता हूँ। लिखी हुई फ्रेजल वर्ब आपके बीच में लिखी गई है फॉल आउट। क्या लिखा हुआ है फॉल आउट वर्ड का मतलब होता है, अगर हम सिंपली क्लियर करें तो क्वेरल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी मुद्दे पर बहस करना, किसी मुद्दे पर क्लियर हुआ लड़ना या झगड़ना, वही क्या कहलाता है, फॉल आउट कहलाता है। बात बिल्कुल क्लियर हुई। ठीक है, द टीम मेंबर्स क्लियर हुआ हैव फॉलन आउट। आपने कहा कि जो टीम मेंबर्स हैं किसी मुद्दे पर झगड़ा कर रहे हैं। बच्चों अब एक बात बताओ, हम थोड़ा सा इसको अपने अंदाज में समझें, तो ये फॉल आउट अगर हमारे बीच में वर्ड लिखा हुआ है तो इसको फॉल आउट ना समझ के हम फाउल आउट पढ़ लें। और एक आपने देखा होगा लाइन होती है, हर एक गेम में एक लाइन होती है जिसे हम फाउल लाइन बोलते हैं। भाई आपने देखा होगा क्रिकेट में एक वो लाइन होती है, तो अगर आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में आपको पता होगा कि जब भी कभी भी आप उस लाइन पे एक अलग ही ड्रामा होता है। आप गली क्रिकेट में चलो तो बाकी सब जगह आपका क्लियर हो जाता है कि ये आउट है या नॉट आउट है, लेकिन जो रनआउट वाली स्थिति होती है उस स्थिति में हम आपस में क्या करने लगते हैं, झगड़ा। भाई क्योंकि अंपायर कहता है कि नॉट आउट नॉट आउट, और टीम कहती है फील्डिंग टीम की भाई आउट आउट आउट, तो अंपायर और उन पे फिर बहस होती है, फिर टीम दोनों टीमें आपस में लड़ जाती हैं। तो पहला वर्ड हमारे सामने क्या लिखा गया, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। शब्द क्लियर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वर्ड को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इन बच्चों आपको ये भी अवगत करा दूँ, इनकी प्रैक्टिस सेशन भी आपके बीच में लाऊंगा तो वो भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सर एक और वर्ड क्लियर करते हैं। अब दूसरा वर्ड लिखा हुआ है फॉल बैक। क्या लिखा हुआ है, फॉल मतलब गिरना और बैक मतलब पीछे आ जाना। भाई आप घर से सच धज के निकले और आप जैसे ही घर से निकले थे मान लो गिर गए, तो आप वहां से आगे जाओगे या पीछे आ जाओगे, फिर घर लौट आओगे, तो फॉल बैक का मतलब क्या हो गया, वापस होना। क्या हो गया, क्लियर हुआ, आपने कहा रिटर्न। क्या लिखा हुआ भैया, रिटर्न। जब भी कभी भी फॉल बैक वर्ड आता है तो फॉल बैक का मतलब क्या होता है भैया, रिटर्न। द आर्मी क्लियर हुआ फेल बैक आफ्टर आपको लूजिंग द बैटल। अगर आपको सेंटेंस ना क्लियर हो तो मैं लिख भी देता हूं, द आर्मी फेल बैक आफ्टर लूजिंग द बैटल। ठीक है भैया, आर्मी क्या हुई, फेल बैक हो गई मतलब फॉल बैक हो गई, बैटल को लूज करने के बाद वो वहां से वापस आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल आपके बीच में लिखी हुई है फॉल बैक ऑन। और बच्चों फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, देखो फॉल मतलब गिरना, बैक मतलब पीछे, ऑन मतलब पर, तो जब भी हम गिरते हैं तो अपने पीछे वाले पर ही तो निर्भर होते हैं। अरे बोलो, जब भी हम गिरते हैं तो अपने पीछे वाले पर ही तो निर्भर होते हैं। इसका मतलब बस फॉल बैक ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर होना। क्या होता है, जैसे ही वर्ड आया तो हम इस वर्ड को लिख सकते हैं डिपेंड ऑन। क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऑन के साथ अगर अपॉन भी लिख दे तो आप इस बात में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी बात को हम बोलते हैं रिलाय ऑन। क्या लिखा हुआ है, रिलाय ऑन। ठीक, हमने अगर लिखने का प्रयास किया तो कहते हैं ही या माई
फ्रेंड फेल बैक ऑन इन नीडी मोमेंट या इन नीडी टाइम, जरूरत के समय पर क्लियर हुआ। माई फ्रेंड फेल बैक ऑन मी, क्लियर हुआ, वो मुझ पर आपको क्या हो गया, निर्भर हो गया। तो आपने एक शब्द तैयार किया फेल बैक ऑन। फेल बैक ऑन का मतलब फॉल बैक ऑन का मतलब हो गया निर्भर होना, शब्द आपको तैयार हो रहा होगा। सर अगला वर्ड लिखा हुआ है फॉल इन विथ। सर फॉल मतलब गिरना, इन मतलब इनसाइड और विथ मतलब साथ साथ। एक बात बताओ, जब हम घर से कभी दो तीन दोस्त निकलते थे तो कभी कभी क्या होता था कि मान लो किसी कारण हम कहीं गिरे तो आपस में एक दूसरे से सहमति बना लेते थे कि भैया देखो आप मेरे घर ना बताना, हम तुम्हारे घर नहीं बताएंगे। तो बस फॉल इन विथ का मतलब ही होता है सहमत होना। थोड़ा सा माइंड पर एक तरीका लाएंगे जिससे फ्रेजल को बनाने का मतलब आपको फ्रेजल को हम आसान बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है याद करना। तो वही तरीके आपके सामने। फॉल इन विद का मतलब क्या हो गया डियर, आपने कहा टू एग्री, एग्री विद, सहमत होना। आई, क्लियर हुआ, फिल इन विद योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट से सहमत हूं। आपने कहा सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो मैंने कहा आई एग्री विथ यू, मैं आपसे एग्री करता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई फेल इन विथ योर कमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपके कमेंट से सहमत हूं। तो वर्ड आपके सामने क्या आया, फॉल इन विथ का मतलब क्या हो गया, टू एग्री विथ। सर बड़ा अच्छा फ्रेजल लगती है फॉल थ्रू। आओ थोड़ा ज्ञान की बात यहां पर करते हैं। बच्चा एक बात बताओ, अगर हम यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा थ्रो, थ्रो को अगर हिंदी में बोले तो एक मीनिंग होता है से होकर या के माध्यम से। हम अपने शब्दों में कहें तो थ्रो एक मीडियम है, अपने शब्दों में अगर समझें भाई एक मीडियम है। मान लो हमने कोई एक मीडियम बनाया, हमने तैयारी करना चालू किया तो यह हमारा एक मीडियम तैयार हुआ ना, और मैं यहां से गिर गया। एक हमने मीडियम बनाया और उसी मीडियम से मैं गिर गया, इसका मतलब उस मीडियम पर हमें सफलता मिली या असफलता। तो भैया आप जब भी कभी भी वर्ड यूज करोगे फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना। बहुत प्यारी फ्रेजल है। और यहीं पर इसके विपरीत मीनिंग अगर क्लियर कर लो, गेट थ्रू क्या लिखा हुआ है, तो गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड, क्या होता है, सफल होना। मतलब मैंने एक मीडियम बनाया और उसी मीडियम से हमने वो चीज हासिल कर ली, तो मैं उस पर सफल हुआ या असफल हुआ, सफल हुआ ना। तो इस वर्ड का मतलब होता है टू सक्सीड। वर्ड क्लियर हो गया। फॉल थ्रो का मतलब फिर से एक बात बताऊं, फॉल मतलब गिर जाना, थ्रो मतलब उस मीडियम से। एक मीडियम से अगर गिरोगे तो आप असफल ही होगे ना, तो आपने क्या लिख दिया, अनसक्सीड। वर्ड याद रहेगा, ठीक है। He fell through. He fell through in his final paper. वो अपने final paper पे क्या हो गया, असफल हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये word आपको clear हो रहा है। Sir अगला वर्ड लिखा हुआ है फॉल डाउन या फॉल ओवर। जब भी कभी भी वर्ड आता है आपका फॉल डाउन या फॉल ओवर, तो फॉल ऑन द ग्राउंड, कहां पर गिरना, कहां पर गिरना सरकार, ग्राउंड पर गिरना। मतलब अगर आप कहीं पर जा रहे हो अचानक से आप स्लिप हो गए तो फॉल डाउन कहते नहीं कि भाई अपने शब्दों में कहते हैं लो बदक गया, ठीक है, और आप शुद्ध हिंदी में बोलते हो कहते हैं भसक गया। तो जो बदक गया या भसक गया भैया आपको मतलब किसी जमीन पर गिर जाना, अचानक से फिसल जाना, फॉल डाउन कहलाएगा, फॉल ऑन द ग्राउंड, शब्द याद रहेगा, ठीक भाई। डाउन का मतलब नीचे हो गया, फॉल मतलब गिरना, तो फॉल डाउन का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड पर गिरोगे भाई। और ना मानना तो आज बेड में लेटे हो ना, वहां से थोड़ा खिसकना तो गिर जाओगे। फॉल ओवर, दोनों वर्ड याद रखना, दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी ग्राउंड पर फिसल जाना या गिरना, वही वर्ड कहलाता है आपका फॉल डाउन, ठीक है। अगर हम बोलते हैं तो वर्ड आपके सामने क्लियर हो गया फॉल डाउन या फॉल ओवर।
अगला शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉल ऑफ। क्या लिखा हुआ है, जब भी कभी भी हमारा वर्ड आता है फॉल ऑफ वर्ड, क्या आता है भैया, तो फॉल ऑफ का मतलब होता है, देखो फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पे गिरावट आना, किसी चीज में गिरावट आना, किसी चीज में कमी होना, गिरावट आना, या आपको उस चीज पर पतन होना। भैया आप कभी कभी क्रिकेट खेलते होगे तो एक वर्ड आता था कि फॉल ऑफ द विकेट्स, मतलब विकेट का पतन हो गया। तो आपने जैसे ही वर्ड लिखा, ठीक है, फॉल ऑफ को हम अगर लिख दें तो वर्ड लिख सकते हैं डिक्रीज। क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज लिख सकते हैं, या वर्ड लिख सकते हैं लेसन। क्या लिख सकते हैं, तो आपने इस वर्ड को जैसे एग्जांपल कहते हैं लिखा हुआ है द सेल ऑफ दिस बुक हैज फॉलन, क्लियर हुआ, ऑफ दिस ईयर। इस ईयर आपको जो इस बुक की सेल है वो क्या हो गई है, गिर गई है, ठीक, ओ डबल एफ सिंगल एफ लिखा हुआ है। तो यहां पे आपकी ये फ्रेजल रही। अब एक लास्ट फ्रेजल लिखा हुआ है फॉल अपार्ट। क्या लिखा गया, अगर फॉल अपार्ट वर्ड आता है तो आ पार्ट, एक एक पार्ट का अलग हो जाना, इसका मतलब फॉल अपार्ट। कोई चीज अगर गिरती है तो एक एक टुकड़े में टूट जाती है कि नहीं टूट जाती है, कोई चीज अगर गिरेगी तो वो टुकड़े में टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी। तो जब भी कभी भी वर्ड आता है फॉल अपार्ट, इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस। क्या लिख दोगे भैया, टुकड़ों में टूट जाना, टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे। अच्छा, इसको हम दूसरा ये भी बोलते हैं, बिकम इमोशनली, आपने क्या लिखा, डिस्टर्ब्ड। जो इमोशनली कह देनी कि भैया मैं टूट गया हूं, मैं चूर हो गया हूं, उसने तो मुझे छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं, तो इस टाइप के जो आपको दायरे होते हैं वो भी आपके क्या कहलाएंगे, फॉल अपार्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा द बॉक्स फेल अपार्ट, ठीक है, द बॉक्स फेल अपार्ट व्हेन आई पिक्ड इट अप, जब मैंने इसे उठाया तो ये क्या हो गया, मुझसे गिरा और टूट गया। अगर मैं लिखूं फॉल अपार्ट को तो टू ब्रेक इनटू पीसेस, पहले तो मीनिंग क्लियर हुआ, और मैंने इस वर्ड को एग्जांपल में अगर क्लियर किया, द बॉक्स फेल अपार्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे संभाल लेना भाई, लिखा है व्हेन आई पिक्ड इट अप, इस तरीके से भाई वो बॉक्स एकदम छूट गया, टूट गया जब मैंने इसको उठाने का प्रयास किया। तो चलिए, ये रही आपके सामने फ्रेजल वर्ब। देखो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके बीच में लिख रहा हूं, कई नहीं लिख रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टूड हो रहा होगा। फॉल डाउन या फॉल ओवर का मतलब क्या होता है, ग्राउंड पर गिर जाना, मतलब फिसल जाना। पहला वर्ड रिवाइज करते चलना सर, वीडियो है आपके सामने, आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे वीडियो देखना, आप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप वैसे ही बोलने का प्रयास करना, अपने आप फ्रेजल तैयार होगी। सर लैंग्वेज का मतलब है कि जितनी ज्यादा बात को आप सुनेंगे उतनी ही ज्यादा बात को आपको बोलना है, यदि आप सुनकर बोलते नहीं है तो कभी आपकी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होगी। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे सब्जेक्ट नहीं बनाना है, लैंग्वेज के अनुसार समझना है। तो आओ डियर, जैसे ही हमने कहा फॉल डाउन या फॉल ओवर का मतलब फॉल ऑन द ग्राउंड, दूसरा वर्ड लिखा गया फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, पतन होना या गिरावट आना, समझ में आ गया। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। फॉल बैक का मतलब वापस होना। फॉल बैक ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, निर्भर होना। फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है, टू एग्री विथ, किसी मामले में सहमत हो जाना, फॉल इन विथ कहलाएगा। अगला वर्ड क्या लिखा गया, फॉल थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल है, इसको भी आप लॉक करेंगे, जिस तरीके से आपने फॉल बैक ऑन को लॉक किया, एक फॉल आउट को लॉक किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कहा फॉल थ्रू, याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमने आपको एक मीडियम से इस बात को समझा दी। और एक वर्ड लिखा गया फॉल अपार्ट, इसका मतलब कई पीसेस में टूट जाना, वो भी कहलाता है फॉल अपार्ट, क्लियर हुआ। किसी का इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाना, तो भाई आदमी इमोशनली डिस्टर्ब्ड कब होता है, जब कहते नहीं कि भाई मेरे दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, उसने तो मेरे दिल के कई टुकड़े कर डाले,
तो आप उस समय पर भी वर्ड क्या यूज करोगे, फॉल अपार्ट यूज करोगे। तो याद करने में दिक्कत तो नहीं हुई होगी, फॉल मतलब गिरना, अपार्ट का मतलब टुकड़ों में अलग अलग हो जाना। तो देन आपके सामने फ्रेजल क्लियर हो जाएगी। आई होप आज आपको फॉल का प्रॉपर आपको कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर आप डियर्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करें कि हाँ सर सेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बात, यदि सेशन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार शेयर करें, उसको लाइक भी करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर बेल आइकन आपको दबा दें। और आपको ये पांच काम जब आप करोगे तो सर आपके पांच काम शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना, ये पांचवा काम एक और रह गया। इतने काम जब आप करोगे तो ये पंच तत्व हैं जो आपके द्वारा काम किए जाएंगे तो हमारे YouTube को एक मजबूती मिलेगी। तो ये पांच काम आपको करने हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक प्यारा सा सेशन फिर आपके बीच में लेकर आएंगे। तो यस,